हेलो गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी यूनिट वन कर रहे थे। इसके पहले मैंने बहुत सारे पार्ट्स बना चुका हूँ, वो पार्ट्स देख लीजिएगा इस पार्ट को समझने के लिए। ये नोट्स मैंने RGP नोट डॉट इन से लिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वेब। ओके, तो इस वीडियो में हम वेब और DNS के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेब क्या होता है। वेब मीन सिंपली ये होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, डेट्स इट। ठीक है, आप मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, सब में वाईफाई कनेक्टेड होता है। जो आपके ये डिवाइसेस हैं, ये आपका नेट कैसे रिसीव करते हैं, तो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसी को कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कि आपके जो डिवाइस में जो एप्लीकेशन है वो वायरलेसली कैसे रन करेंगी। लाइक आप मोबाइल में अपने इंटरनेट चलाते हो सिंपल मोबाइल डेटा से, तो वो वायरलेसली काम करता है। कैसे वो टावर से डेटा फैच इंटरनेट फैच कर रहा है आपके मोबाइल में, फिर आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है। तो उसके बीच में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वेब में। ठीक है, सो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो वेब होता है ना, ये तीन इसके वो होते हैं लेयर्स। ठीक है, जैसे TCP में आपने लेयर्स पढ़ी थी, OSI लेवल में आपने पढ़ी थी, OSI मॉडल में, सेम वैसे ही वेब की भी लेयर्स होती हैं। तो तीन लेयर्स के नाम क्या क्या हैं? एक है WTP, एक है WTLS, एक है WDP। सो वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड वायरलेस ट्रांजेक्शन लेयर सिक्योरिटी। तो इसमें सिक्योरिटी आ गई, तो सिक्योरिटी समझ चुके हो गया। वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, सो उसको एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि इस पहले वाले के नेम से समझ में आ रहा है ट्रांजेक्शन, तो हमारा जैसे कोई भी आप यू कैन से आपका पूरा इंटरनेट चलता है पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, सो आपके पैकेट्स रिसीव होंगे और सेंड होंगे। तो जो इस फर्स्ट लेयर का जो काम है वो ये है कि जो पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं वो डुप्लीकेट पैकेट रिसीव नहीं होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने कोई पैकेट भेजा, वो रास्ते में लॉस हो गया इन द कम्युनिकेशन, वो जो पैकेट था वो लॉस हो गया, तो सेंडर उसी पैकेट को दोबारा से सेंड करे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट, कि हमारे दो रीजंस की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डुप्लीकेट पैकेट ना रिसीव हो जाए रिसीवर के यहाँ, और अगर कोई भी सेंडर कुछ मैसेज भेज जाता है रिसीवर को और वो बीच में लॉस हो जाता है वो वाला पैकेट या मैसेज, तो उसको दोबारा से सेंडर को भेजने की जो जिम्मेदारी है वो फर्स्ट वाला लेयर करता है। डेट्स ऑल। सेकंड बात करते हैं, सेकंड नाम से समझ में आ रहा है वायरलेस ट्रांजेक्शन लेयर सिक्योरिटी। नाउ अब आप पैकेट्स भेज रहे हो, बट आप एक बात बताओ कि अगर कुछ कुछ चीज़ें हम वेबसाइट पे हमारी लॉग इन पर डिपेंड करते हैं, ऑथेंटिकेशन, लाइक आपने अपना फेसबुक ओपन किया, तो फेसबुक ओपन करने के लिए आपको अपनी लॉग इन आईडी पासवर्ड डालनी पड़ती है, उसके बाद अपने आप पूरी अपनी प्रोफाइल देख पाते हो। अब सपोज आप मैसेजिंग कर रहे हो, ठीक है, अब आप मैसेजिंग कर रहे हो तो आप लॉग इन हो गए तभी तो आप मैसेज कर पाओगे, विदाउट लॉग इन आप मैसेज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को प्रिवेंट कौन करेगा? ये इस लेयर की वजह से आप सिक्योर हो। अगर ये नहीं होगी तो फिर तो आपके विदाउट लॉग इन आप किसी से भी बात कर सकते हो, जो कि आपकी सिक्योरिटी पे बात आ जाती है। लाइक मेरे को आपको लॉग इन आईडी नहीं पता, पर मैं आपके अकाउंट से मैसेजिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको प्रिवेंट कौन करता है? ये लेयर करती है सेकंड वाली। अब इससे क्या होगा, जिसके पास लॉग इन आईडी और पासवर्ड होगी डेट मीन्स हमारा ऑथेंटिकेशन होगा, वही मैसेज कर सकता है। डेट्स ऑल। आई थिंक ये दो पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो आप ऐसे समझिए इसको जैसे कि आपका नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है, सो अब आपको एक मैं चीज बताता हूँ, आप ऐसे समझिए ये आपका एक स्टैक है। ठीक है, स्टैक है, इस स्टैक में ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये बॉटम लेयर है। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट लेयर है ये टॉप पे है। तो सबसे पहले आपकी WAP में, WAP जो है इस ये एक प्रोटोकॉल है, इसके प्रोटोकॉल में स्टैक के हम रूप में समझते हैं कि तीन लेयर्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है वो WTP है, सेकंड पे WTLS है, थर्ड पे WDP है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो WDP है थर्ड लेयर, ये सबसे बॉटम में है स्टैक के। ठीक
ठीक है। सो जैसे हमने टीसीपी में पढ़ा था, टीसीपी में सबसे बॉटम में होता है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। सो उसका रोल क्या होता है आपको पता ही है कि फिजिकली पूरा गेम खेलना, लाइक आपका डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो फिजिकल लेयर की वजह से हो रहा है, डेटा लिंक फ्रेम में कन्वर्ट्स कर रहा है, ठीक है। सो सेम वैसे ही WTP भी बॉटम में होता है, बट ये वो फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा फिजिकल और डेटा लिंक वाली। इसका मेन काम क्या है वो हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा पूरा। तो ये तीन लेयर थी मैंने आपको बताया, WTP आपको क्या कहते हैं जो रिट्रांसमिशन करना हो, डुप्लीकेट्स हो, इतने में लिखा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा WTLS, WTLS क्या है, सिक्योरिटी पे बेस है पूरा, कि जो WTLS है वो ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और SSL जो होता है ये सब पे काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा WTLS। फिर हम पढ़ते हैं WTP। WTP क्या है कि ये हमारा बॉटम लेयर है, ठीक है, वेब स्टैक का, मैंने को पता है वेब स्टैक है ये, उसका बॉटम है और ये लो लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। बट इसमें हमारे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक वाली कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, बट ये बिल्कुल बिलो है नेटवर्क सर्विस, यू कैन से, ठीक है। सो अगर आपको लो लेवल की भी वो चाहिए फिजिकल और डेटा लिंक वाली, देन आपको ये इंटरफेसेस जोड़ने पड़ेंगे, कौन कौन से, बियरर सर्विसेस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वेब के ऊपर डिस्कशन। नाउ हम पढ़ते हैं DNS। तो DNS मैं आपको सिंपल इजी शब्दों में बताऊं, आप जब RGPV नोट्स डॉट वेबसाइट पर जा रहे थे, ठीक है, या छोड़ो RGPV नोट्स को भी, आप जब YouTube पे आ रहे थे तो आपने यहाँ पे URL लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे URL लिखा www.youtube.com, सो आप YouTube पे पहुँच गए। बट इन रियलिटी नहीं, जो ये नेम है ना, नेम नेम कुछ होता ही नहीं है, सब पूरा गेम चलता है IP में, ठीक है। जैसे कि आपने कहा है YouTube, सपोज YouTube, तो आपने ये डाला YouTube, ठीक है, तो ये हमेशा पहले जो नेम है ना, नेम, ये पूरा नेम कन्वर्ट होता है एक IP में, 1.8.4 कुछ भी, मतलब आप समझ लीजिए एक IP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो आपका सर्वर होता है, सर्वर एक्चुअली में जानता है सिर्फ IP, वो IP के बेसिस पे ही खोलता है कोई भी चीज़। आपने फेसबुक खोलो, गूगल खोलो, सबका एक IP होता है, google.com कुछ नहीं होता, youtube.com कुछ नहीं होता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप उसको याद कर पाओ, इसलिए ये होता है। तो आपने www.youtube.com, तो ये चीज़ youtube.com डाला आपने, फिर आप जैसे ही एंटर मारा ना, तो ये चीज़ कन्वर्ट होती है इस IP में, देन ये IP खुलता है आपके सर्वर से, फैच होती है रिक्वेस्ट और आपके PC पे ही ओपन हो जाता है यूट्यूब, बट एक्चुअली में आपका यूट्यूब बटन कुछ नहीं होता, वो IP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कन्वर्ट करने की, तो अब यहाँ पढ़ते हैं जो डोमेन नेम सर्वर होते हैं, DNS, DNS मीन्स डोमेन नेम, जो यूट्यूब है वो डोमेन नेम है, गूगल है डोमेन नेम है, RGPV नोट्स डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम सर्वर्स सजेस्ट ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम। इसको आप छोड़ो, मैं आपको सिंपल इजी लैंग्वेज बताता हूँ, आपका जो नेम है वो नेम से जो IP की जो मैपिंग है वही DNS है, डेट्स कॉल, समझ रहे हैं आप। तो अब यही यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब आपके DNS सबके अलग अलग होते हैं, वो DNS आपके मैप करते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है वेबसाइट के नेम्स की और उस वेबसाइट के IP की, जैसे ही आप नेम डालते हो आपका वो IP में कन्वर्ट होता है और वो खुल जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सिंपल YouTube का IP फाइंड करना और सीधे वो IP इधर डाल देना, ठीक है, इधर आप जैसे डालोगे ना वो IP और आप एंटर मारोगे YouTube खुल जाएगा, डेट्स ऑल, ठीक है। आपको नेम पे YouTube डालने की भी जरूरत नहीं, आप IP डाल दोगे खुल जाएगा, IP आपको इजीली मिल जाएगा, और नेट पे आप डालना YouTube IP, तो आपको गूगल में फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगी YouTube IP की, आप वो डालना। तो ये था हमारा पूरा सिनेरियो DNS का। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थैंक यू वेरी मच।